आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा के जनपद कार्यालय प्रांगण में आज SIS के द्वारा रोजगार शिविर का आयोजन किया गया। इस रोजगार शिविर में नवयुवकों को सुरक्षा गार्ड एवं सुरक्षा सुपरवाइजर के रूप में सीधी भर्ती का ऑफर दिया गया है। आपको बता दें कि भारत सरकार की योजना के तहत जनपद कार्यालय में रोजगार शिविर का आयोजन किया गया। इस रोजगार शिविर में अब तक 90 लोगों का साक्षात्कार होने के बाद 24 लोगों का चयन कर लिया गया है और चयन प्रक्रिया अभी चालू है। आपको बता दें कि चयनित हुए अभ्यर्थियों को सिंगरौली में ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें सुरक्षा कर्मी के लिए 1 माह व सुपरवाइजर के लिए 2 माह की ट्रेनिंग रखी गई है। ट्रेनिंग के दौरान अभ्यर्थियों के लिए रहने एवं खाने की व्यवस्था SIS के द्वारा मुहैया कराई जाएगी। शिविर के संबंध में जानकारी देते हुए SIS के HR कमल राजपूत ने बताया कि चयनित अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग के बाद इंदौर, दिल्ली, जबलपुर, सिंगरौली एवं भोपाल में उनकी योग्यता अनुसार सुरक्षा गार्ड एवं सुरक्षा सुपरवाइजर की नौकरी दी जाएगी। हालांकि शिविर के माध्यम से अभी रीवा के लिए भी कोई पद नहीं बताया गया है, जिसके लिए आने वाले समय में आगे शिविर लगाया जा सकता है। मेरा नाम कमल राजपूत है, मैं SIS में HR के पद पर कार्यरत हूँ। आज जो भर्ती शिविर जिला प्रशासन में NRLM के संयोजन से किया जा रहा है, इसका उद्देश्य यही है कि जो गरीब बच्चे हैं जो कोरोना काल में छोड़ के नौकरी आ गए थे, उसी उद्देश्य को लेकर प्रशासन ने ये अरेंजमेंट किया कि पूरे 5 ब्लॉकों में ये रोजगार शिविर आयोजित किया जाए। आज अंतिम व्यवस्था तो अभी तक है ना, हमारे पास 90 लोग आए हैं, 90 में हम 24 लोगों को चयन किए हैं, बाकी प्रक्रिया चल रही है ना। इसमें 1 माह का प्रशिक्षण हम सिंगरौली में रखेंगे। सिंगरौली में उनको आवासीय प्रशिक्षण है, रहना खाना और ट्रेनिंग उनको मुफ्त मिलेगी। ट्रेनिंग के दौरान आपको सर्दी गर्मी बरसात के जो किट मिलेगी और 1 माह का प्रशिक्षण के बाद उनको आपका इंदौर, दिल्ली, जबलपुर, भोपाल और सिंगरौली ये जगह पोस्टिंग रहेगी। लोकल सिंगरौली के अलावा रीवा के लिए किसी प्रकार का कोई जॉब नहीं है, लेकिन हाँ रीवा के आसपास सराउंडिंग एरिया के लिए हमारे पास जॉब है, वो दे रहे हैं और 2 पद हैं जिसमें हम चयन कर रहे हैं। एक तो सुरक्षा कर्मी है, दूसरा कस्टोडियन। मेरा नाम कमल सिंह राजपूत है और HR के पद पर कार्यरत हूँ।